विषय पर मैं चर्चा कर रहा था, आनुकुल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिर उत्तम, अपने कल्याण के लिए की जाने वाली भक्ति तो रूप गोस्वामी पादी मध्यम भक्ति बता रहे हैं। भक्ति वो जो ईश्वर के सुख के लिए की जाए। कह दीजिए ना प्रभु से, प्रभु सारा जीवन आपका है। दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, जचे जिस तरह नाच न चाओ, नाच न चाओ मन खेल खिलाओ, थे मन भायो जी नाथ थरी सरणी आयो जी, नाथ थरी। हमारे बाबा कहते थे जो 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 कन्हैया को भेंट चढ़ाने के लिए ले जाते हो ना, तुम कन्हैया की दृष्टि उस पर नहीं जाती कि आप लेकर क्या आए हो, कन्हैया की दृष्टि उस पर रहती है कि आप छिपा कर क्या आए हो अपने पीछे। सुदामा छिपा रहे थे वो चिवड़ा, जर्जर वस्त्र था जिसमें बंधा था वो दो मुट्ठी तंदुल, जर्जर वस्त्र था। और जब सुदामा ने देखा द्वारिकाधीश का वैभव तो छिपाने लगे, बड़ा संकोच हुआ कि कैसे निवेदन करूं इसे प्रभु को, क्या ये निवेदन करने योग्य वस्तु है, कैसे प्रभु के सन्मुख धरूं, क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोहे, कैसे निवेदन करूं प्रभु को। और सुदामा का संकोच बढ़ता जा रहा है और वो दो मुट्ठी तंदुल का मोल बढ़ता जा रहा है। संकोच क्यों करना है आपको अपने लिए भजन, क्यों आपको लगता है तैरकर समुद्र पार किया जाता है ना। गरीब लुट गया बामाल हो गया, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुंचा। आपको लगता है साधन से भगवान मिलेंगे ना, साधन की लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। पहले दिन मैंने आपको कहा ना, मुझसे एक बालक ने पूछा कि राम राम कहने से राम मिलते हैं क्या, रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला मिलता है क्या, मुंह मीठा हो जाता है क्या। तो मैंने कहा भाई रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से मुंह मीठा तो नहीं होता, रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से मुंह में पानी तो आता है, रसगुल्ला खाने की इच्छा तो होती है। तो मैंने कहा ऐसे ही बेटा, कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण भले ना मिले, पर कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण को मिलने की चाह जरूर मिलती है, इच्छा जरूर होती है, और जहां चाह होती है वहां राह होती है। यद्यपि कृष्ण और रसगुल्ले की तुलना करना मूर्खता है, पर मूर्ख व्यक्ति को वैसा ही उत्तर भी देना पड़ता है। लालसा मिलती, लालसा ही पुरुषार्थ है भक्त के लिए। भक्ति का साधन ही प्रतीक्षा है कि प्रभु आएंगे, विश्वास। और क्षमा करना बाप, मैं भजन छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो भगवान के भरोसे करने की बात कह रहा हूं। आप वृंदावन के रसिकाचार्यों के छवि का दर्शन करिए, आप सूर देखिए, सूरदास हाथ में तंबूरा लिए बैठे हैं, स्वामी हरिदास जी महाराज रसिक अनन्य नृपति हाथ में इकतारा है, और मीरा तो सारे संसार को गाकर कहती है रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा, हाँ मेरी बाह पकड़ लो शाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा अपन। तो एक बात जानते भाई, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। मैं तो एक बात जानता हूं, यहां गुरुजनों की कृपा से प्रेम स्पर्श करे। मुझसे पूछा किसी ने भाई भक्त में और ज्ञानी में क्या भेद होता है, तो मैंने कहा ज्ञानी जाता है ऐसे, ज्ञानी ऐसे जाता है बिल्कुल सीधा, ना यहां देखेगा ना वहां देखेगा। जिस रास्ते ज्ञानी चल के जाता है ना, उसी रास्ते पे भक्त नाचता गाता जाता है, बस इतना सा भेद है।
जीवन में प्रेम का संगीत प्रकट हो, जीवन में प्रेम का संगीत प्रकट हो, जीवन उत्सव बने। भक्ति इसकी बात करती है। आधा अधूरा न तो भगवान लेते हैं ना देते हैं। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, बोले देखो भैया हमारो कन्हैया पढ़ो लिखो तो है ना है, तो हिसाब किताब तो जाने ही ना है बेचारो। तुम पूरो को पूरो मन दे दो और ये पूरो को पूरो तुम्हारे मन को मंदिर बना देगो। आधी अधूरी बात कन्हैया करे ही ना है। स्मरण रखने योग्य एक बात है, आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं, और मेरी विधि यह है, नाथ थारी शरणी आयो जी, गुरु जी थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी, गुरु जी थारी शरणी आयो जी, गुरु जी थारी शरणी आयो जी। जचे जिस तरह नाच नचाओ, जचे जिस सरिया राखो थे मन भायो जी, हम चाहो जिस सरिया राखो थे मन भायो जी, हम चाहो जिस सरिया राखो थे मन भायो जी, हो शरणागति। गीता विश्राम लेती है कहां, सर्व धर्मान परित्यज्य। भगवान कह रहे मां एकम शरणम व्रज, आपको विश्वास नहीं ईश्वर पर, आप कहेंगे प्रभु मैं आपकी शरण हूं, ईश्वर आपको बीच मझधार छोड़ देगा? अपने साधन पर विश्वास न करिए, मन पर विश्वास न करिए, और माला की गिनती पर तो बिल्कुल भरोसा ना करिए, ईश्वर की कृपा का विश्वास रखिए। पूरा का पूरा निवेदन करिए, अपने आप को चढ़ाइए, अपने आप को प्रभु के चरणों में। आपको भरोसा नहीं उसके स्वभाव का? अरे गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाए। और मेरे तुलसी बाबा कहते, मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राय, ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद है तू पुनीत परिहर पावरन पर प्रीत, ऐसी कवन प्रभु की रीत। मेरा उद्देश्य आपके हाथ से माला छुड़ाना नहीं है साहब, मैं इसलिए व्यासपीठ पर नहीं बैठा हूं। मैं तो कहता हूं कलव केशव कीर्तनात्, कलयुग का धर्म हरिनाम है। मैं तो व्यासपीठ से सदा संदेश देता हूं, सब साधन छोड़ के अपनी सारी चेतना हरिनाम को निवेदन करिए। मैं आपके हाथ से माला छुड़ाने नहीं आया, मैं तो आपकी आपको सांसों की माला पकड़ाने के लिए आया हूं, जो ना टूटे और ना छूटे। और आप देखिए कहने वाला क्या कहता है, अपने मन की मैं जानू
और पी के मन की सांसों की माला पे सिमरूं मैं। भाई मुझे भक्त संत यही कहते सुनाए पड़े, मैंने कबीर को सुना, मैं मीरा की बात सुनूं, मैं सूर तुलसी की ओर देखूं, मुझे कोई नहीं मिला जो ये कहे कि इतनी देर तुम संसार के, इतनी देर तुम भगवान के, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। और क्षमा करना, मेरी श्रद्धा वेद शास्त्र को मेरा प्रणाम है, वेद शास्त्र को मेरा प्रणाम है, मेरा नमन है, पर मेरी श्रद्धा संत की वाणी में है। संत क्या कहता है, क्योंकि जो देख कर आया है ना वही दिखा सकता है। घट घट मेरा साइया खाली घट ना कोए, पर बलिहारी उस घट के जहां घट प्रगट होए। गुरु साहेब वाणी में फरमाते हैं, सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध, ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध। रैदास कहते हैं, तीरथ व्रत को नहीं अंदेसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी से लिखी। हम जैसे साधारण बद्ध जीव कैसे अपने मन का विश्वास कर लें, ऐसी बात सूरदास कह रहे थे वल्लभाचार्य महाप्रभु से। मौसम कौन कुटिल खल। जब दो तीन बार सूरदास ने अपना यश गाया ना इस प्रकार, हो सब पतितन को नायक, श्री महाप्रभु कह रहे अरे आंधरे, श्री महाप्रभु ने कहा सूरदास से, अरे आंधरे सूर होए के घिघियाए रहे होए। उन्होंने कहा सूर, अरे आंधरे सूर होए के घिघियाए रहे होए। अरे कछु ठाकुर को जस सुना, जितनी देर में आप ये कहते हैं ना हे प्रभु मैं पापी, मैं बद्ध जीव, मैं मूढ़, उतनी देर में ये कहिए तू दयालु दीन। अरे वो तो सब जानते हैं आप और मैं क्या है, आप प्रकट करें तो भी वो जानता है और न प्रकट करें तो भी वो जानता है। बिन बोले सब किछ जानदा। सदुपयोग करिए वाणी का, सदुपयोग करिए अपने भाव का, प्रभु का यश गाइए, प्रभु का यश गाइए। और रूप को स्वामीपाद करिए, आनुकुल्यन कृष्णानुशीलरम सब भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति वही है जो प्रभु के सुख के लिए की जाए। नाम जप भी इसलिए करिए कि प्रभु आपको बैठाने के लिए अपना मन मंदिर तैयार कर सकूं। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं संसार की कामना करने से लेकर मोक्ष की कामना करने वाले पर्यंत सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। तभी गुरु साहिब से जब किसी ने पूछा आपने विश्व का भ्रमण किया, कोई एक बात आपने समान देखी, तो गुरु साहिब कहने लगे नानक दुखिया सब संसार, सब संसार दुखालयम शाश्वतम, दुखिया सब संसार। फिर सुखी कौन है? अब तो मुझे दो दिन हो गए आपको बताते, आपको उत्तर देना चाहिए कौन है सुखी। गाकर बताइए, तीन दिन हो गए मुझे इतना परिश्रम करते। एक अध्यापक की कक्षा में सारे विद्यार्थी फेल हो जाए ना, तो प्रश्न अध्यापक से पूछा जाता है क्या पढ़ाया था।
अब मैं यहां से आज चले जाऊं, आपको कुछ याद ही नहीं रहे, वो मुझसे पूछेगा क्या पढ़ाया था, पर आनंद आया आपसे सुनकर। मन लागो मेरो यार फकीरी में, सुनके मजा आ गया। श्रवण तो यात्रा का आरंभ है बाप, श्रवण से मनन और मनन से निधिध्यासन, श्रवण से पहुंचे आप कीर्तन तक, और कीर्तन का अर्थ है प्रभु का यश गाना। नाम स्मरण भी कीर्तन है, स्वर संगीत से रिझाइए सो भी कीर्तन है। कीर्तन का अर्थ केवल एक नहीं, नाम स्मरण भी कीर्तन है। प्रभु का यश गाइए कीर्तन है, प्रभु की लीला का स्मरण करिए फिर गाइए कीर्तन है, सुनाइए कीर्तन है। और श्रवण और कीर्तन का प्रसाद है सतत भगवत स्मरण, सतत भगवत स्मरण। तो भक्ति ऐसी हो प्रभु के सुख के लिए, आपका प्रथम भाव उचित हो बाप, किस लिए करना है भजन, कल्याण के लिए नहीं। एक बार एक बड़ी दरिद्र कन्या थी, पर लेकिन पूर्व के पुण्य से रूपवती थी, एक सेठ की दृष्टि पड़ी, उसने विवाह कर लिया। अब कहावत है भाई, राजा चितई रानी भई, राजा की दृष्टि पड़े तो रानी, सेठ जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने विवाह कर लिया। अब विवाह होते ही सेठानी, अब भाई कोई बनारसी साड़ी लेकर आ रहा है, कोई नौलखा हार लेकर आ रहा है, और वो बगल में बैठी किसी महिला से पूछती है, बोले रोटी तो है ना, रोटी तो है। वो बड़ी हंसी आई उसे, जैसे आपको आई, ऐसे ही हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गजदान अन्नदान भूमि दान करही, मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग नान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही, सेज दान कन्या दान, कुरुक्षेत्र गौ दान, इतने में पापन को नेक हूं न हरही। हमारे डोंगरे बापा कहते थे, बाप पुण्य कमाना सरल है, पाप छोड़ना कठिन है। कुरुक्षेत्र गौ दान, इतने में पापन को नेक हूं न हरही, और कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन है, ध्रुव पापी
तिहु लोकन के छिन माही तरही, ये नाम की महिमा है। आपको प्रभु का विश्वास नहीं, आपको प्रभु के प्रभाव और स्वभाव से परिचय नहीं बाप, इसलिए आप गिनने में लगे हैं। केवल भाव पर्याप्त है कि प्रभु मैं आपका हूं। सूरदास कह रहे निपट निगोड़ो, हे प्रभु मेरा परिचय क्या लेते हैं आप, निपट निगोड़ो, निपट अर्थात 100%, और निगोड़ो तुम तो सोना बिगाड़, मोसो ना बिगाड़बे को तो सोना संवारबे को, निपट निगोड़ो। प्रभु मेरा भाग्य है दास तिहारो, आपका हूं मैं। इसीलिए प्रथम दिन मैंने आपसे कहा, सबसे पहले अपने उर अंतर से भय हटाइए। हजारों लोग कहते मिल जाएंगे भगवान के अलावा हम किसी से नहीं डरते, बड़ी अच्छी बात है ये, भगवान से डरना अच्छी बात। भगवान से न डरिए बाप, डर लगे तो असत्य से लगे, निंदा से लगे, राग द्वेष से लगे, आपके मन में कहीं ईर्ष्या ना उत्पन्न हो जाए किसी के लिए जो आपके मन को मैला कर दे। डर लगे तो आपको कुभाव से लगे, अहित की भावना से डर लगे, भयभीत होने के लिए तो अहित का भाव है, कुभाव है, असत्य है, ईर्ष्या है, असूया है, निंदा मात्सर्य। डर लगे तो इनसे लगे, भगवान से क्यों डरना, उनसे अधिक प्रेम करने वाला कौन है, त्रिभुवन में ढूंढ लाइए कौन है उनके जैसा जो दो मुट्ठी तंदुल के बदले 3 लोक का वैभव न्योछावर कर दे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। कौन मिलेगा आपको ऐसा, मैं तो आज की युवा पीढ़ी से भी पूछता हूं, आप सकारात्मकता की बात करते हैं, यू आर फाइंडिंग आउट पॉजिटिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू आर सो मच एनक्रोच्ड बाय गूगल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आप कहां ढूंढ रहे हैं, कहां से लाइएगा पवित्रता जीवन में, कहां से लाइएगा स्थिरता जीवन में, कहां से लाइएगा सकारात्मकता जीवन में, कहां से लाइएगा चरित्र की उज्ज्वलता जीवन में, कहां से लाइएगा आचरण की पारदर्शिता जीवन में, कहां से लेकर आइएगा। अरे भाई बड़े गर्व और गौरव से आपको कहता हूं कि आपके जीवन में भी इस बात का गर्व हो, गौरव हो, आपको भारत भूमि पर जन्म मिला है। इतिहास देखिए, इतिहास देखिए बाप, इस धरती ने बड़े कष्ट सहे हैं, बड़ी पीड़ा झेली है इस धरा ने। अरे बरसों बरस ऐसे आए यहां पर जब इस देश की धरती पर सुख नहीं था, शताब्दियां देखी इस देश की धरती ने जब इस देश की धरती पर सुख नहीं था, पर माथा ऊंचा होता है मेरा यह कहते हुए, इस देश की धरती ने आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं देखा जिस दिन इस देश की धरती पर कोई संत नहीं था, कोई भक्त नहीं था। आज तक यह धरती वंचित नहीं हुई संत से, भक्त से। इस देश का एक एक रज कण पवित्र है बाप, यहां जो हवा बहती है ना उसमें संस्कार है। मैं तो सदा कहता हूं आपको खबर नहीं है, आपके घर के नल में जो जल आता है ना, हो सकता है वो गंगा यमुना कृष्णा कावेरी का जल हो, उसमें मिलाओ कहीं गंगा जल, कहीं यमुना का छीटा हो उसमें। एक बार दृष्टिपात करिए अपने पूर्व पुरुषों के त्याग और बलिदान पर। जब कश्मीर के पंडित आए नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के कदमों में, उनके उनके हुजूर में, और औरंगजेब की क्रूर दास्तान उन्हें सुनाई, तो गुरु साहेब का हृदय पसीज गया, नेत्रों में अश्रु आ गए। 10वें गुरु गोविंद राय, उस समय उनका नाम श्री गुरु गोविंद राय था, गोविंद राय 9 वर्ष के अपने पिता की गोद में बैठे थे, पिता का मुख म्लान देखा, पूछा क्या हुआ आपको। गुरु साहेब ने, श्री गुरु तेग बहादुर साहेब ने कहा कि धर्म इस समय किसी महापुरुष का बलिदान चाहता है, जैसी परिस्थिति आकर खड़ी हुई है, धर्म इस समय किसी महापुरुष का बलिदान चाहता है। क्या कहते हैं वो 9 वर्ष के गोविंद राय कि यदि धर्म को इस समय महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है, फिर आपसे बड़ा महापुरुष इस समय भारत भूमि पर कौन है, आप जाइए। मुख पर प्रसन्नता और हृदय में गर्व और नेत्रों में गौरव के अश्रु थे गुरु तेग बहादुर साहिब के कि सिखों को 10वां गुरु मिल गया, इसी की तलाश थी। फिर प्रतीक्षा किस बात की, आप जाइए। औरंगजेब ने कैद कराया
और रूह कांप जाएगी साहब आपकी अगर आप कभी सुन लें। मैं तो व्यासपीठ से कह नहीं सकता, जो यातना, जो बर्बरता श्री गुरु तेग बहादुर साहब के साथ में हुई, आपकी मेरी रूह कांप जाए, रूह कांप जाए आपकी मेरी, आप और मैं सुन ना पाए, ऐसी पीड़ा, ऐसी यातना गुरु साहब को दी गई। और जब अंत में औरंगजेब ने पूछा कि अब भी आपके पास समय है, आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा, और गुरु साहब अपने मुख से क्या कहते हैं कि जिनके धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर यहाँ पर आए हैं, उसे पूरा किए बिना यहाँ से जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्या क्या वाणी उच्चारण करते हैं गुरु साहब कि बाह जिनादी पकड़ी है, सिर जाए पर बाह नहीं छोड़िए, सिर जाए बाह नहीं छोड़िए। और गुरु तेग बहादुर बोलिया, तड़पए धर्म नहीं छोड़िए। अरे कोई समय था भाई, कोई समय था जब हंसते हंसते प्राण दे दिए जाते थे धर्म की रक्षा के लिए। आज तो आपको धर्म पर संशय होता है, आप उपहास करते हैं अपने धर्म का, अपनी सभ्यता संस्कृति को भुला दिया आपने, माताओं को सिर का पल्लू बोझ लगने लगा है, मुझे कहना पड़ता है सर ढक कर बैठिए। क्षमा करना, संस्कार तो आपको बोझ लगने लगे, और खबर नहीं कौन भक्ति करेगा, किसकी भक्ति होगी। इसलिए दो दिन से आपसे बड़ा विनम्र निवेदन कर रहा हूं, और आज फिर करूंगा, आज विराम का दिन है। इस समाज में, इस राष्ट्र में अगर सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित रह सकती है ना, तो वो मातृशक्ति के प्रयास से सफल रह सकती है, सुरक्षित रह सकती है। इसलिए मातृशक्ति को मेरा निवेदन, आप सब मेरी माता स्वरूप यहाँ पर बैठी हैं, और अपना बालक जानकर मुझे शुभकामना भी दीजिएगा, और मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, स्वीकार करिएगा कि इस समाज में, इस राष्ट्र में अगर सभ्यता सुरक्षित रहेगी तो वो आपके प्रयास से रहेगी। आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है, ये आपका दायित्व है। आपको ईश्वर ने इस पवित्र भूमि पर जन्म दिया है, जहाँ गर्भ में माँ भगवान का नाम सुना देती है। आज तक ऐसी व्यवस्था थी कि गर्भ में बालक हो तो कथा कीर्तन सुना जाता था, भागवत रामायण पढ़ी जाती थी। जब गर्भ में माँ भगवान का नाम सुनाती है, आते ही जीव को संसार में जिह्वा पर कुछ स्पर्श कराया जाता है ना, तो पवित्र वेद मंत्र के साथ स्पर्श कराया जाता है। अगर लिखा जाता है ना उसकी जिह्वा पर, तो ओंकार लिखा जाता है, रामकृष्ण लिखा जाता है। एक व्यक्ति उलझ पड़े मुझसे, आप बोले आप जीवन भर भारत 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 करते रहते हैं, ऐसा क्यों, वसुधैव कुटुंबकम। अरे मैंने कहा साहब, वसुधैव कुटुंबकम ये आवाज दुनिया में घूम कर आइए, भारत में ही सुनाई पड़ेगी आपको, और आप ढूंढ कर लाइए समग्र विश्व में कोई ऐसी संस्कृति जिसने संबंधों का इतना आदर किया हो कि अयोध्या जैसा राज्य पाकर जिसका वैभव इंद्र से कहीं अधिक था, अयोध्या जैसा राज्य पाकर भरत जैसा कोई भाई उस राज्य को एक ओर रखकर राम की पादुका लेकर लौटा हो और उस पादुका के सहारे जीवन बिताया हो। आपको मिलेगा कोई धर्म, कोई सभ्यता विश्व में ऐसी नहीं मिलेगी। आप सभ्य सुसंस्कृत लोग हैं, और मेरा आप लोगों से आह्वान है, निवेदन है मेरा आप लोगों से, ये जिसके घर में भोजन नहीं है वो धर्म संस्कृति की बात नहीं कर सकता बाप। ये कर्तव्य आपका और मेरा है, ये दायित्व आपका और मेरा है। आपके परिवारों में सुरक्षित रहे संस्कार, ये यात्रा यहीं से आगे बढ़े। आज मैं मानता हूं आज जैसा समय उपस्थित हुआ है, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। मैंने अपने गुरुजनों से सुना है, संतों के मुख से सुना है कि घर का कोई व्यक्ति यदि कुमार्गामी हो जाए ना, तो घर की स्त्री, घर की माता, घर की बहन यदि हरिनाम बनाते रटते रटते भोजन बनाए और उस व्यक्ति को भोजन कराए, तो बड़ी शीघ्रता से हरिनाम के प्रभाव से, प्रसाद से उस व्यक्ति के आचरण में परिवर्तन आता है। आज भोजन ही कोई नहीं बनाता, किसे कहूं मैं, आज भोजन कोई नहीं बनाता। आहार पवित्र नहीं रहा, विचार कैसे पवित्र रहेगा। घर में आहार की पवित्रता नहीं है, विचार की पवित्रता कैसे आएगी। विचार पवित्र नहीं होगा तो व्यवहार कैसे पवित्र होगा, व्यवहार पवित्र नहीं होगा तो संस्कार कैसे शुद्ध रहेगा। बात बड़ी छोटी सी है पर बड़ा गंभीर अर्थ रखती है, बड़ा गंभीर अर्थ रखती है। जीवन में पवित्रता रहे आपके, आपका आहार शुद्ध रहे। आप भक्ति की बात करते हैं, आप भगवान को पाना चाहते हैं,
लोग आते हैं मेरे पास, बोले महाराज दीक्षा लेनी है, प्याज नहीं छूटता। ले बताओ, लेने आप भगवान आए हो, प्याज नहीं छूटता आपसे। खैर मैं तो इस तरफ बहुत ज्यादा विचार नहीं करता, मुझे तो लगता है कि आप भजन करना आरंभ करिए। मैं ये नहीं कहता पहले छोड़िए फिर भजन करिए, मैं तो कहता हूं पहले भजन करिए, रहा सहा सब छूट जाता है, ईश्वर की कृपा से छूट जाता है, नाम जप के प्रसाद से छूट जाता है। आप आरंभ करिए आज अभी, आप नाम रटना आरंभ करिए। मैं तो नाम जपने के लिए भी नहीं कहता बाप, मैं तो कहता हूं नाम रटिए, तोते की तरह रटिए। सुमिरन तो कभी किसी चेतना के धरातल पर पहुंचने के बाद होता है, सुमिरन तो कभी होते होते होगा, आप तो केवल तोते की तरह रटिए। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। पर आपकी तैयारी देखिए कितनी है, इतनी शुद्र सी वस्तु आप छोड़ते नहीं, छोड़ना नहीं चाहते, और आप भगवान पाना चाहते हैं। जीवन में आहार व्यवहार की विचार की शुद्धता नहीं है, आप भक्ति की बात करते हैं। इसलिए भाई मेरा सबसे पहला प्रयोजन है, सबसे पहला उद्देश्य है, और इस चर्चा का भी एक उद्देश्य यही है, सबसे पहले आपके जीवन में कर्म की शुद्धता हो। मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप भक्त हैं ये खबर मंदिर में नहीं पड़ेगी। आप तोलते कितना हैं, कैसा हैं, आप बोलते कैसा हैं, यहां से खबर पड़ेगी। व्यवहार के मध्य कसौटी पर उतरेंगे आप। धंधा छोड़ देना आसान है भाई, पर धंधे को ईमानदारी से चलाना ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको रोज परीक्षा देनी पड़ेगी, आपको रोज धर्म की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि रोज आपके पास प्रलोभन आएगा, रोज आपके पास अवसर आएगा, आपको रोज उस पाप के प्रलोभन को एक ओर करके सत्य को जीवन में धारण करना पड़ेगा। ये धर्म की परीक्षा आपको रोज देनी पड़ेगी, संसार के मध्य में रहकर, संसार के मध्य में रहकर। तो अनुकूल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। भक्ति कैसी है जो ईश्वर को सुख दे। और कल विराम के क्षणों में मैंने एक बात कही थी बाप, आपको स्मरण हो, कि आप अपने बालक को संत सेवा करते देखें तो आपको सुख होगा ना, आप अपने बालक को साधु सेवा करते देखें आपको आनंद होगा ना, और आप बिना मांगे उसे आशीर्वाद दे देंगे। माता के हृदय से तो वात्सल्य की धारा के रूप में आशीर्वाद फूटे ही पड़ता है बालक को देखकर। ऐसे ही जब आपका कर्म सेवा बनता है, जन जन के लिए, मन मन के लिए, जब आपके मन में शुभ विचार शुभ संकल्प होते हैं, जब मानवता की सेवा होती है आपके द्वारा, किसी के मुख पर प्रसन्नता का कारण बनते हैं आप, किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है आपकी किसी क्रिया से, किसी के जीवन में प्रसन्नता के लिए प्रयास करते हैं आप, जब ईश्वर आपको इस प्रकार सत्कर्म में नियत देखता है, निवेश करते देखता है अपनी जीवनी शक्ति, तब ईश्वर के हृदय से भी फूट पड़ता है आपके लिए स्नेह, तब स्वीकार करता है ईश्वर, तब अंगीकार करता है ईश्वर आपको। सबसे पहले कर्म की शुद्धता हो आपके जीवन में, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये संसार धर्म प्रधान नहीं है, संसार कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आपको थोड़ा सा शैली परिवर्तित करनी पड़ेगी बाप, भक्ति के व्यापक स्वरूप को समझिए। जिस प्रकार भगवान व्यापक है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति भी है। और आपको एक बात और अपने अनुभव से कहूं, जैसे कोई व्यक्ति जब अनुशासित होता है तो वह व्यक्ति कभी आधा अधूरा अनुशासित नहीं होता। यदि वो अनुशासित है तो सोना जगना उठना बैठना खाना पीना बोलना चलना सब अनुशासित होगा, अनुशासन आधा अधूरा नहीं आता जीवन में। ऐसे धर्म भी जीवन में आधा अधूरा नहीं आता, भक्ति भी जीवन में आधी अधूरी नहीं आती। यदि आप भक्त हैं तो फिर आप सदाई भक्त हैं, आप सर्वदा भक्त हैं। फिर कुकर को देखकर भी नामदेव का हृदय कहता है, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई,
पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। एकनाथ गंगोत्री से जल भर कर लाते हैं रामेश्वर को निवेदन करने के लिए। भारत के एक कोने से दूसरे कोने की यात्रा एकनाथ करते हैं। शिवरात्रि का पर्व निकट है, संत मंडली के साथ, भक्त मंडली के साथ एकनाथ चले हैं दुर्गम यात्रा करते हुए। गंगोत्री से कांवर में जल भर कर लाए हैं रामेश्वर भगवान को निवेदन करने के लिए। और बस नगर में प्रवेश करने से पूर्व, नगर में प्रवेश करने से पूर्व नगर के बाहर दृष्टि पड़ती है एक गधे पर, प्यासा गधा, प्यास के कारण जिसके प्राण जाने को हैं। एकनाथ एक क्षण का भी विचार नहीं करते। आई डोंट नो व्हाट लेवल ऑफ लाइफ एनर्जी, हाउ एलिवेटेड दे आर, कहाँ है उनकी चेतना। एक क्षण भी विलंब नहीं करते एकनाथ। निकालते हैं वो कावर में लाया गंगा का अमूल्य जल, इसे भाव से सींच कर इतनी दुर्गम यात्रा पग पग पे चलते चलते, कब चले कब पहुंचे। और रामेश्वर के निकट पहुंचने से थोड़ा पहले गधे पर दृष्टि पड़ी, प्यासा, जो बस मरने वाला है, छूटने वाले हैं जिसके प्राण प्यास के मारे। निकाला एकनाथ ने जल और डाल दिया उस प्यासे गधे के मुख में। अरे जो साथ तथा कथित भक्त मंडली थी वो कह रही, अरे तुम पगला गए हो क्या, इस गधे के लिए तुमने गंगा का इतना अमूल्य जल व्यर्थ कमा दिया, कितनी कठिन यात्रा से तुम ये जल लेकर आए और इस गधे को पिला दिया। एकनाथ कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि देख नहीं पाई, कैसे देखे, चर्म चक्षुओं से तो चर्म ही दिखाई पड़ता है। तुलसी बाबा कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों, श्रद्धा और विश्वास के नेत्रों से ईश्वर देखा जाता है। एकनाथ कहने लगे, भाई तुम देख नहीं पाए, मैं बड़ी आतुरता से चला आ रहा था रामेश्वर को जल निवेदन करने के लिए, रामेश्वर से रहा नहीं गया और वो स्वयं आए और मेरा जल स्वीकार करे, तुम्हें गधा दिखाई पड़ता है। अरे रामेश्वर मेरा जल स्वीकार करके गए हैं। मानवता को लांग कर कोई धर्म आगे नहीं बढ़ सकता, मानवता को लांग कर कोई संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती। तुमने देखा नहीं, यदि श्रद्धा और विश्वास के नेत्र खुले होते तो तुम देखते कौन पड़ा है यहां। शायर कहता है कि अगर तू बस्ती में है तो फिर वीराने में कौन, अगर तू बस्ती में है तो फिर वीराने में कौन, और अगर तू तस्वी के एक दाने में है तो फिर हर दाने में कौन, कौन है फिर। यदि तू वहां है तो फिर यहां कौन है, फिर यहां कौन है। जब भक्ति आती है तो गोपी कहती है, जित देखूं तित श्याममयी है। उद्धव कहते हैं कि मैं तुम्हें विधि बताता हूं ध्यान करने की। बोली, किसका ध्यान? बोली, कृष्ण का। अरे हम तो तुझे बहुत पढ़ा लिखा समझती थी, तू तो निरामूर्ख निकला। अरे उधम, तो समझती थी बड़ा पढ़ा लिखा है, तू बड़ा बुद्धिमान है, और तू कैसी मूड किसी बात कर रहा है, बड़ा पंडित है उधव, ऐसा सुना था हमने। अरे कोई विधि बताना चाहता है ना, तो हमें कोई ऐसी विधि बता कि दो घड़ी कृष्ण ध्यान से निकल जाए। तू कृष्ण का ध्यान करने की बात करता है, अरे हम जहां देखती है वहां कृष्ण दिखाई पड़ता है, यही तो झंझट है। विदना इन अखियान को सुख सिरजो इनाए, देखत बने न देखते, जब सन्मुख थे तो लाज बैरन हो जाती थी, तब प्यारे के मुख की ओर कभी जी भर के देखा नहीं। और फिर एक गोपी कहती, इसलिए भी नहीं देखते थे, नजर ये हमारी न लग जाए तुमको, यही सोच कर तुमको कम देखते हैं, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोच जे, मन में तुम ही मुस्काए
एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ छोड़ के, उम्र यूं ही गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए, अखियों के झरोखे देखत बने न देखते, अब बिन देखे अकुल आए, जब सन्मुख थे तो इस भय से नजरिए हमारी न लग जाए तुमको, यही सोच कर तुमको कम देखते, तब इसलिए नहीं देखा और अब बिन देखे अकुलाएं, अब श्याम सुंदर को देखे बिना ये नैन व्याकुल है, हमारे भाग्य में तो विधाता ने सुख लिखा है नहीं, तू कौन सा सुख देने हमें आया है, अरे हमें तो श्याम सुंदर पीड़ा दे के गए, जैसे कृष्ण ने पीड़ा दी हो उसे सुख कौन देगा, उधो मन ना भय दस बीस एक सो हो सो तो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। इसीलिए प्रथम दिन जब चर्चा आरंभ हुई थी तो मैंने कहा था भाई भक्ति का चित्र खींच लेना बड़ा सरल है, क्या लगता है स्वांग ओढ़ लेने में, हाथ में माला लेने में कोई झंझट है क्या, खूब ले लो, लगा लो माथे पर सुंदर तिलक, कौन रुकता है। और मैं तो कहता हूँ ये तो ऐसा देश है जहाँ पर साधारण से साधारण काम भी आपको करना हो तो एक योग्यता चाहिए, गुरु बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, भक्त बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, कोई नहीं पूछेगा आपसे, कौन पूछने वाला है, हो जाइए बन जाइए। पर हमारे विनोद भैया गाते थे कि प्रीत लाणी बड़ी सौखी है सांवरे दे नाल, निभाणी बड़ी औखी है सांवरे दे नाल, मीरा तो कहती है अपने गिरधर से सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी। हे गोविंद, जिस दिन तुम्हें पहली दृष्टि में देखा, लव एट फर्स्ट साइट, पहली ही दृष्टि में आपसे प्रेम हुआ, अब ये जाने मेरा प्रेम था या आपका, पर मैंने तो उस प्रथम क्षण में ही अपना सर्वस्व आपको निवेदन किया, सर्वस्व। आज मुझे किसी ने यहां लिख कर दिया, हाँ बोले कल आपने गाया बड़ा आनंद आया, क्या गाया, भूले के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमा जादू नगरी से आया, एक बार पलक पावड़े बिछाइए कि उस जादू नगरी से वो जादूगर आपके लिए आए, आपको देखने के लिए आए, आप कहां उलझे हैं, कृष्ण से प्रेम करने को उलझन ना बनाइए, भजन को वजन ना बनाइए, भजन को वजन ना बनाइए, सर पर बोझ ना रखिए, बोझ ना रखिए, मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूं, पाप लगे तो मुझे लगे आपको नहीं लगे, बस मैं बड़े विश्वास से आपको कह रहा हूं, किंचित गुरु की कृपा से मैंने अपने इष्ट का स्वभाव जाना है, काम मोहित गोपिका और कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन, मेरे तुलसी बाबा कहते हैं ऐसो को उदार जगमा, बिन सेवा जो द्रवे दीन पे राम सरिस को ना आए, ऐसो को उदार जगमाए, मैं तो कहता हूं अपनी ओर देखिए ही ना, केवल प्रभु की ओर देखिए। शायर कहता है वजूदे खार क्या है, खार कहते कांटे को, वो कहता है वजूदे खार क्या है, बस गुल से नजरों का फिसल जाना, फूल से नजर हटे तो कांटा है, फूल पर रहे तो कोई कांटा नहीं। जीवन में पीड़ा कब है, जब दृष्टि भगवान से हटती। अर्जुन के जीवन में भ्रम भय आया कब, जब भगवान ने कहा देख अर्जुन सामने कौन खड़ा है, अर्जुन अच्छे भले सारथी के स्थान पर बैठे श्री कृष्ण को देख रहे थे, जैसे कृष्ण ने कहा देख अर्जुन कौन खड़ा है, जैसे अर्जुन ने वहां देखा कृष्ण से दृष्टि हटी, लो
भ्रमित हो गए, भयभीत हो गए। आप क्यों देखते हैं अपनी ओर? न देखिए, न देखिए, दृष्टि भगवान से न हटे, मन सतत चिंतन करे प्रभु के स्वभाव का, सतत स्मरण करिए प्रभु के प्रभाव का, भरोसा रखिए। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जे मैं वेखा औगुण अपने, कुछ ना मेरे पल्ले। जीव का भजन कितना है, अल्प सा जीव। श्रीमद् भागवत में जो भगवान का स्वरूप है, कभी उसका वर्णन पढ़िए, श्रीमद् भागवत के पंचम प्रकरण का, कभी पंचम स्कंध का कभी आप चिंतन करिए, आपको लगेगा आप हैं कौन, आप हैं कौन, मैं हूं क्या, मैं क्या और मेरी हस्ती क्या। कितना तो जीव और कितना जीव का भजन। और मैं आपसे कह रहा हूं भाई, भजन करते करते संसार भूल जाओगे, पर भजन करते करते मैंने भजन किया ये नहीं भूलोगे, याद रहता है भाई इतना भजन किया है मैंने। ये जीव का स्वभाव है, जीवा स्वभाव तो दुष्टा। प्रभु को एक वस्तु निवेदन करते हो, जितनी बार दर्शन करने जाते हो, मैं देखता हूँ हमारे राधा वल्लभ जी के मंदिर में श्री जी को कोई वस्त्र आभूषण भेंट करता है, तो जब आता है देखता है वो हमारे वाला आभूषण पहना है कि नहीं पहना है। माफ करना, आप देकर यदि स्मरण रखते हैं या देने के बाद आपको स्मरण रहता है तो क्षमा करना, ईश्वर ने आपकी वस्तु स्वीकार नहीं की। अगर प्रभु आपकी वस्तु स्वीकार कर लेते ना, तो आपको वस्तु का नहीं ईश्वर का स्मरण होता, आपको भगवान का स्मरण होता, आपको अपनी दी वस्तु याद रहती। बरसों पुराना किया यज्ञ आपको याद है, बरसों पहले किया अनुष्ठान आपको याद है, वो यही है बाप, इसी अस्तित्व में लौट कर आएगा आपके पास। अरे वर्षा के पीछे आज भी भगवान है, कहां से लिया, यहीं से। संत तो कहता है राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत और खाओ री चिड़िया भर भर पेट, ये तो साधु का जीवन है। क्या कह रहा था मैं इससे पहले, खाली जोई नो मजो आवे छे। क्या कह रहा था मैं इससे पहले, ये बात इसलिए पूछ लिया मैंने भाई कि सुन रहे हो ना। मैं ये कह रहा था कि अति मृदु स्वभाव है प्रभु का, अति मृदु, अत्यंत कोमल। मन मनुष्य की मन बुद्धि प्रभु के स्वभाव की कल्पना नहीं कर सकती। भक्ति कराती है, परिचय कराती है भगवान के स्वरूप से, भगवान के प्रभाव से और भगवान के स्वभाव से, अत्यंत कोमल।